अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं फैद मलिक, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय सोशल विंग्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको इस ऐप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। इस ऐप में आपने जितने भी सोशल मीडियाज के ऐप्स हैं वो सब आप इस ऐप पर पा सकते हैं। मतलब आपको सारे ऐप्स को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपको सारे ऐप्स अवेलेबल रहेंगे जिससे आपके फ़ोन का स्टोरेज बच जाएगा। जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडियाज़ के ऐप्स हैं वो सब आपको इसी ऐप के अंदर मिल जाएंगे और आप इस ऐप में वो सारे ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सारे ऐप्स को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे ऐप्स को डिलीट कर दीजिए, फिर इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, तो इससे आपके फ़ोन का स्टोरेज सेव होगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस ऐप को आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हथेली में होने वाली खुजली यानी खराश होने से क्या होता है। दोस्तों, आजकल दाएं हाथ यानी सीधे हाथ की खुजली को बड़ी अहमियत दी जाती है, क्योंकि लोगों का मानना है कि सीधे हाथ में होने वाली खुजली का मतलब पैसे आने की निशानी है और उल्टे हाथ में होने वाली खुजली यानी एलर्जी का मतलब हमारे हाथ से पैसा जाने वाला है या हमें कोई नुकसान होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि खुजली कहीं भी हो सकती है, चाहे वो सीधे हाथ में हो या फिर उल्टे हाथ में हो। इसे हम पैसों से न जोड़ें, ये सोचना भी गुनाह है। खुजली कहीं भी हो सकती है, हम मुसलमानों को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, ये शिर्क है और शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। जैसा हमारे आका नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ और वाज़े इरशाद फरमाया, बदशगुनी का लेना शिर्क है, शिर्क तबाह और बर्बाद कर देता है। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबाह कर देने वाली चीज अल्लाह के साथ शिर्क करना है। तो दोस्तों, हमें इस तरह के ख्यालात नहीं रखने चाहिए। अल्लाह हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।